कहानी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जिसे मैक्सिको डिजर्ट के एक म्यूटेंट ने एक गुफा में रखा हुआ था, क्योंकि वो उस औरत से म्यूटेंट बेबी चाहता था। लेकिन आज जब वो औरत एक म्यूटेंट बच्चे को जन्म देती है तो वो मरा हुआ होता है, जिससे वो म्यूटेंट आदमी उस पर काफी गुस्सा होता है और उसे जान से मार देता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि 2 साल पहले मैक्सिको डिजर्ट में आई एक फैमिली यहीं पर फंस गई थी, क्योंकि उन्होंने एक रॉन्ग टर्न ले लिया था और सुबह होने तक उनमें आधे से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे, जिसे हमने इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में देखा था। फिर उस घटना के बाद मिलिट्री ने वहाँ काफी सर्च किया, लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी नहीं मिला। फिर हम कुछ साइंटिस्ट को देखते हैं जो उस एरिया में मॉनिटरिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे होते हैं, और एक सीनियर कर्नल उन लोगों की सिक्योरिटी के लिए अपनी ड्यूटी दे रहा था। सर्च ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर हिल्स पर होता है, जो एक दूसरे डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इसलिए वो दूसरे डॉक्टर जो मिलिट्री एरिया के अंदर गया था उससे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं कि उस डॉक्टर को किसी ने बहुत बुरी तरह से मार दिया है। इधर उस डॉक्टर को कोई रिस्पॉन्स न मिलने पर वो वापस जाने लगता है। इसी बीच वो वहाँ पर एक म्यूटेंट को देखता है जो एक सांप को खा रहा था। वो म्यूटेंट उस डॉक्टर को नुकसान पहुँचाए बगैर ही उसे वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से भाग पाता तभी पीछे से एक दूसरा म्यूटेंट हमला करके उसे जान से मार देता है। डॉक्टर के चिल्लाने की आवाज कर्नल भी सुन लेते हैं, पर तभी एक दूसरा म्यूटेंट कर्नल के सीने में एक रॉड से हमला करके उसे नीचे फेंक देता है। इसके बाद हम US मिलिट्री के कुछ सोल्जर्स को देखते हैं जो मैक्सिको के डिजर्ट में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद कमांडर उन्हें उनकी गलतियों के बारे में बताता है। फिर वो अपनी टीम के साथ साइंटिस्ट को एक इक्विपमेंट सप्लाई करने के लिए निकल जाता है, जो यहाँ पर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने के लिए आए होते हैं। लेकिन जब ये उन साइंटिस्ट के लोकेशन पर पहुँचते हैं तो इन्हें वहाँ सभी साइंटिस्ट गायब दिखाई देते हैं, जिससे ये काफी हैरान हो जाते हैं और उन्हें आसपास चेक करने लगते हैं। इसी बीच एक सोल्जर को रेडियो पर कर्नल की आवाज सुनाई देती है, जो उससे मदद मांग रहा था। तभी इन्हें पहाड़ों की चोटी पर मिरर रिफ्लेक्शन दिखाई देती है। ये देखकर सर्जन उन सोल्जर के साथ उस पहाड़ी एरिया में जाने लगता है, पर उनमें से 2 सोल्जर नेपोलियन और एम्बर को सर्जन वहीं रहने के लिए कहता है, ताकि वहाँ किसी के आने के बाद ये लोग उन्हें इन्फॉर्म कर सके। इसके बाद जब वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तभी उनमें से एक सोल्जर एक गड्ढे में गिर जाता है, जिससे उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है। अब वो सोल्जर ठीक से चल नहीं पा रहा था, इसलिए सर्जन उसे वापस कैंप पर लौट जाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ नेपोलियन जब टॉयलेट में जाता है तभी टॉयलेट के नीचे से किसी की हाथ आती है, जो उसे पकड़कर खींचने लगता है। ये देखकर नेपोलियन भागकर बाहर आ जाता है और ये सब बात वो एम्बर को बताता है। फिर एम्बर जब उसे चेक करती है तो उन्हें टॉयलेट में वही डॉक्टर दिखाई देता है जो उस मिशन का हिस्सा था। उस डॉक्टर को देखकर ये लोग काफी ज्यादा घबरा जाती हैं। फिर ये दोनों उसकी बॉडी को बाहर निकालकर साफ करने लगते हैं। फिर ये उस डॉक्टर से पूछते हैं कि उसके साथ ऐसा किसने किया है, लेकिन वो इन्हें सिर्फ यही बता पाता है कि वो यहीं पर हैं। ये कहकर वो अपना दम तोड़ देता है। डॉक्टर की ये बात सुनकर एम्बर और नेपोलियन काफी डर जाते हैं। इसी बीच वो देखते हैं कि किसी ने उनके ट्रक को आग लगा दिया है। अब ये जल्दी से अपनी गन उठाने के लिए भागते हैं, लेकिन अब उनके गन भी किसी ने चुरा लिए होते हैं। एम्बर नेपोलियन से कहती है कि वो भी बाकी सोल्जर के पास जाएगी, क्योंकि उसे यहाँ डर लग रहा है, पर नेपोलियन वहाँ नहीं जाना चाहता। एम्बर कुछ दूर पर जाती है कि तभी एक म्यूटेंट उसे पकड़ लेता है। ये देखकर नेपोलियन उसे बचाने के लिए एम्बर के पास भागता है। वहीं एम्बर उस म्यूटेंट का मुकाबला करती है, जिससे वो म्यूटेंट काफी गुस्सा हो जाता है और एम्बर पर कुल्हाड़ी से हमला करने लगता है। तभी एक गोली म्यूटेंट के कंधे पर लग जाती है, जिसे उसी सोल्जर ने चलाया था जिसका पैर फ्रैक्चर हो गया था। फिर जब ये उस सोल्जर को देखते हैं तो वो उसके पास जाते हैं। इसी बीच एक दूसरा म्यूटेंट एक सुरंग से उस घायल हुए सोल्जर का पैर पकड़ लेता है। फिर वो उस घायल सोल्जर को अंदर खींचने लगता है। एम्बर उसे बचाने की काफी कोशिश करती है और इतनी ही देर में नेपोलियन भी वहाँ पहुँच जाता है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो म्यूटेंट उस सोल्जर को सुरंग में खींच लेता है। उधर पहाड़ी पर उन सोल्जर्स को एक डेड बॉडी मिलती है, जिसकी आईडी चेक करने पर इन्हें पता चलता है कि वो डॉक्टर फोस्टर की है। अब उस डेड बॉडी की हालत देखकर सर्जन को खतरे का अंदाजा लग जाता है।
है, इसलिए वो सभी सोल्जर से अपनी राइफल लोड करने के लिए कहता है। वो लोग एम्बर से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रेडियो पर इन्हें कोई भी सिग्नल नहीं मिलता। इसी बीच रेडियो पर इन्हें कर्नल की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर सर्जन समझ जाता है कि कर्नल जरूर किसी बड़े मुसीबत में है। इसलिए वो वहाँ पर दो ग्रुप बनाता है, जिसमे क्रैंक और स्पाइडर उसके साथ जाते हैं और मिसी स्टंप और डेलमर को दूसरी तरफ भेज देता है ताकि कर्नल को खोजने में आसानी हो सके। लेकिन इसी बीच क्रैंक और स्पाइडर सर्जन से अलग हो जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर एक म्यूटेंट इन पर अटैक कर देता है। इसके बाद क्रैंक और स्पाइडर उस म्यूटेंट पर फायरिंग करने लगते हैं, जिस दौरान स्पाइडर गलती से सर्जन को शूट कर देता है, जो कि म्यूटेंट की एक चाल थी। ये देखकर सर्जन को बचाने के लिए सब उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन सर्जन की कंडीशन काफी खराब हो चुकी होती है। सब मिलकर सर्जन को बचाने की कोशिश करते हैं, पर वो वहीं दम तोड़ देता है। अब इन सबको समझ आ जाता है कि वो लोग एक बड़े मुसीबत में फंस चुके हैं, इसलिए ये सब यहाँ से वापस जाने का डिसाइड करते हैं। फिर ये सर्जन की डेड बॉडी को लेकर वापस लौटने लगते हैं, लेकिन इनके सामने एक डेड एंड होता है, जिसके बाद ये लोग रस्सी के सहारे नीचे जाने का फैसला करते हैं। फिर सबसे पहले ये सर्जन की बॉडी को स्पाइडर के साथ बांधकर नीचे भेजने लगते हैं। स्पाइडर नीचे लटका होता है कि तभी वो रस्सी टूट जाती है, जिससे स्पाइडर सर्जन के साथ नीचे गिरकर मारा जाता है। ये देखकर सभी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी डेलमर देखता है कि रस्सी टूटी नहीं है, बल्कि किसी ने जानबूझकर उसे काट दिया है। जब ये बैग में चेक करते हैं तो वहाँ से इनकी बाकी की रस्सी भी गायब होती है, जिससे अब ये पैदल ही नीचे जाने का फैसला करते हैं। कुछ दूर जाने के बाद इन्हें रेंडिंग जख्मी हालत में मिलता है, लेकिन तभी इन्हें पीछे किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए सभी अपनी गन लेकर अलर्ट हो जाते हैं। फिर ये सब रेडिंग से बाहर जाने का रास्ता पूछते हैं। इस पर रेडिंग इन्हें बताता है कि उन्हें माइनिंग वाले गुफा से होकर बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन सभी म्यूटेंट उसी गुफा के अंदर रहते हैं। इतना कहकर कर्नल खुद को शूट करके मार देता है। अब ये लोग एक प्लान बनाते हैं, जिसमें मिसी और स्टंप एक अकेले जगह पर बैठ जाती हैं और बाकी लोग किनारे पर छिप जाते हैं। अब उन दोनों लड़कियों को देखकर एक म्यूटेंट उस पर अटैक करने आता है, जिसके बाद बाकी सोल्जर उस पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उस म्यूटेंट की मौत हो जाती है। उस म्यूटेंट को मारकर सभी काफी खुश होते हैं। इसी बीच मिसी टॉयलेट करने के लिए चली जाती है, तब उसके अकेले होने का फायदा उठाकर कमेलियन नाम का एक म्यूटेंट उसे पकड़ लेता है, जिसके चीखने की आवाज सुनकर बाकी सोल्जर उसकी तरफ भागते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये वहाँ पहुँच पाते, म्यूटेंट मिसी को गुफा में लेकर चला जाता है। मिसी को बचाने के लिए सभी सोल्जर उसे गुफा के अंदर ढूंढने लगते हैं। तभी स्टंप नाम का एक सोल्जर वहाँ से वापस जाने लगता है, क्योंकि वो अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। बाकी के सोल्जर उसे काफी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की भी बात नहीं मानता और यहाँ से जाने लगता है। फिर जब वो पहाड़ से नीचे उतर रहा होता है तो एक म्यूटेंट उसका हाथ पकड़कर काट देता है, जिससे वो नीचे गिरकर मारा जाता है। इधर ये लोग गुफा में काफी अंदर तक चले जाते हैं। तभी नेपोलियन और एम्बर एक गड्ढे में गिरकर नीचे एक सीक्रेट जगह पर चले जाते हैं। अब बाकी बचे हुए सोल्जर उनके पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ वही म्यूटेंट एम्बर को पकड़ लेता है। तभी नेपोलियन एक पत्थर से उसके सिर पर अटैक करता है, जिससे वो म्यूटेंट मारा जाता है। अब इतनी देर में एक और म्यूटेंट इनके पास आ जाता है, जो कि ब्लाइंड होता है। वो म्यूटेंट इनके स्मेल से ही इन्हें फील कर रहा था। उससे बचने के लिए ये दोनों एक सीक्रेट डोर से नीचे गिर जाते हैं। फिर वहाँ पर उन्हें एक और म्यूटेंट मिलता है। ये वही म्यूटेंट होता है जो मूवी की शुरुआत में डॉक्टर को यहाँ से भाग जाने के लिए कह रहा था। दरअसल वो एक अच्छा म्यूटेंट होता है, क्योंकि वो लोगों को नुकसान न पहुंचाकर उनकी मदद करता था, इसीलिए वो इन दोनों को छिपा लेता है। तभी बचे हुए दो सोल्जर क्रैंक और डेलमर भी वहां आ जाते हैं, जिसके बाद वो ब्लाइंड म्यूटेंट इन पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। फायरिंग के दौरान डेलमर को गोली लगने से वो काफी घायल हो जाता है। तभी क्रैंक भी उस ब्लाइंड म्यूटेंट को शूट करके उसे मार देता है। फिर नेपोलियन उन दोनों को भी सीक्रेट रूम में बुला लेता है। अब वो म्यूटेंट, जिसका नाम हैंसल होता है, वो इन्हें एक सुरंग के जरिए आगे जाने का रास्ता बताता है। कुछ दूर जाने के बाद इन्हें बहुत से लोगों की डेड बॉडीज दिखती है, जिन्हें उन म्यूटेंट्स ने बुरी तरह मारा था। इसी बीच एम्बर को वहाँ मिकी की डेड बॉडी दिखाई देती है। उसकी ये हालत देखकर एम्बर चिल्लाने लगती है। अब यहाँ डेलमर की हालत भी काफी नाजुक हो जाती है, जिससे वो भी अपना दम तोड़ देता है। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, पर आगे का रास्ता बंद होता है, इसलिए क्रैंक हैंसल पर गुस्सा करता है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हैंसल ने उन्हें फंसाया है।
तभी उसकी नजर वहाँ पर रखी डायनामाइट पर पड़ती है, जिसे देखकर वो काफी खुश होता है। लेकिन हैंसल उस डायनामाइट को छूने से मना करता है, पर क्रैंक उसकी बात नहीं मानता। और फिर वो जैसे ही डायनामाइट का बॉक्स लेकर जाने लगता है, तभी उसमें लगा हुआ एक सर्किट जो कि एक ट्रैप होता है, वो क्रैंक के ऊपर गिर जाता है, जिससे यह काफी तेजी से ब्लास्ट होता है, जिसमें क्रैंक भी अपनी जान गंवा बैठता है। अब एम्बर और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए जाते हैं, तो उन्हें मिसी की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद दोनों मिसी की आवाज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। इसी बीच वहाँ छुपा हुआ म्यूटेंट इन दोनों पर अटैक कर देता है, लेकिन नेपोलियन किसी तरह उसे खंजर से जख्मी करके नीचे गिरा देता है। फिर एम्बर राइफल से हमला करके उसे मारने लगती है। इसके बाद जब ये दोनों आगे जाती हैं, तो उन्हें मिसी दिखाई देती है, जिसे हैट्स नाम के एक म्यूटेंट ने बांध कर रखा होता है। ये देखकर एम्बर एक ट्रैप बनाती है, वो नेपोलियन से मिसी का फोन लेकर उसमें रिकॉर्डिंग प्ले कर देती है, जिसे सुनकर हैट्स को लगता है कि बाहर कोई है, इसीलिए वो चेक करने के लिए बाहर चला जाता है। इधर ये दोनों मिलकर मिसी को फ्री कर देते हैं। वहीं हैट्स उस फोन तक पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि किसी ने उसके साथ मजाक किया है। अब एम्बर और नेपोलियन जैसे ही मिसी को लेकर भागने लगते हैं, तभी वहाँ हैट्स आ जाता है, जो इन पर अटैक करने लगता है। एम्बर हैट्स के ऊपर गोली से शूट करती है, जिससे वो एम्बर को ही मारने लगता है। लेकिन इसी बीच नेपोलियन एक रॉड लेकर हैट्स के पीठ में घुसा देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। फिर ये लोग मिलकर उसे बुरी तरह से मार देते हैं। अब ये तीनों यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि जितने भी सोल्जर यहाँ मारे गए थे, उनकी फैमिली को इस बारे में नहीं बताया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये तीनों वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी कोई म्यूटेंट इन पर सर्विलांस सिस्टम से नजर रखे होता है, और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।